हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बताए थे। कुछ थोड़े से राइमिंग वर्ड्स और हैं जो मैं आज बता रही हूँ इस वीडियो में। और आपको पता ही है कि पिछले वाला बहुत ही मज़ेदार था, वैसे ही आज भी है। और अलग अलग फैमिली के वर्ड्स होते थे, है ना? तो आज भी हम राइमिंग वर्ड्स पढ़ रहे हैं। इनकी फैमिलीज़ होती हैं अलग अलग, इसलिए वर्ड फैमिलीज़ बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आई एन फैमिली। आई एन फैमिली मतलब उसी तरह तीन तीन लेटर्स के शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, और उसमें आई एन तो ज़रूर होगा। आगे वाला जो है फर्स्ट वाला लेटर्स वो बदलता जाएगा। जैसे बी आई एन बिन, बिन माने डब्बा। जैसे डस्टबिन को हम स्कूल में जो रखा रहता है, हम लोग कचरा डालते हैं डस्टबिन बोलते हैं, वही बिन। तो डस्टबिन ही नहीं, किसी भी तरह का डब्बा को बिन बोलते हैं। डस्टबिन कचरे के डब्बे को बोलते हैं, लेकिन बिन मतलब कोई भी डब्बा। डी आई एन डिन, डिन माने शोर, हल्ला गुल्ला करना। के आई एन किन, किन माने सगे संबंधी, जैसे आपके जैसे मामा चाचा दादा, ये सब जो रिलेटिव्स होते हैं वो किन। एस आई एन सिन, सिन माने पाप, कोई जो पाप करता है। इधर आइए टी आई एन टिन, टिन माने टीना का धातु एक होता है, जैसे टीना का बर्तन होता है, आप देखोगे घर में डब्बा होगा टिन का, वो टिन हुआ। और जी आई एन जिन, जिन एक पीने की पदार्थ है जो पीना पिया जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ छः वर्ड हमारे आई एन फैमिली से बन रहे हैं। एक साथ मैं बोलती हूँ, देखो बिन डिन किन सिन टिन जिन, एक जैसे लगे ये सब। अगली फैमिली है यू एन फैमिली, अन फैमिली, ठीक है। यू एन, इसमें यू एन तो होगा, सामने वाला जो फर्स्ट वाला लेटर है वो चेंज होगा। जैसे बी यू एन बन, बन एक गोल बड़ा सा मोटा सा फूला हुआ ब्रेड होता है, ऐसे तो आप ब्रेड खाते ही हो, पाव रोटी जिसको बोलते हो, लेकिन बन एक बड़ा सा होता है उसको कहते हैं। तो बी यू एन बन, ये खाने की वस्तु है बन। दूसरा है जी यू एन गन, गन माने बंदूक, ही आपको भी मालूम है। तो इस फैमिली में दो ही वर्ड हैं आपके लिए, बन एंड गन। अब अगली फैमिली हम आते हैं ई एन फैमिली। ई एन फैमिली या ई एन साउंड ऑफ वर्ड्स में आता है, जिसमें सब में ई एन तो हो गई, पर पहला लेटर जो है फर्स्ट लेटर वो चेंज होगा। सबसे पहले हम देखते हैं डी ई एन डेन। डेन माने शेर की मांद, जहाँ शेर रहता है, या उसे गुफा भी कहते हैं। तो डेन माने गुफा। एच ई एन हैन, हैन माने मुर्गी, आपको मालूम है। के ई एन केन, केन माने देखना। एम ई एन मैन, मैन माने बहुत सारे पुरुष। उस दिन मैंने आपको बताया था जैसे मैन, एम ए एन मैन, मैन माने एक आदमी, आदमी मतलब जो पुरुष हो, जैसे लड़का हो। और मैन माने एक से ज़्यादा आदमी, तो मैन, एम ई एन मैन भी इसी फैमिली में आया। टी ई एन टेन, टेन माने 10, जो 1010 होता है ये। और जेड ई एन जेन, जेन माने शांति। अब देखिए इस फैमिली ई एन फैमिली से मैं सबको एक साथ पढ़ती हूँ तो एक जैसा लगेगा। डेन हैन कैन मैन टेन चैन, एक जैसा था सब। अब हम लोग अगली फैमिली में आते हैं ओ टी। ओ टी फैमिली, ओ टी फैमिली में देखिए पहला है बी ओ टी, बॉट। बॉट जो अपने चले, जो ऑटोमेटिकली खुद से चले, जैसे रोबोट, रोबोट जानते हो, उसको काम करने का इंस्ट्रक्शन दे दो वो खुद चलता है, तो बी ओ टी बॉट। डी ओ टी डॉट, डॉट माने बिंदु, देखिए यहाँ एक बिंदी बनी हुई है, बिंदु मैंने बनाया ये डॉट। जी ओ टी गॉट, गॉट मतलब मिल गया, कोई चीज़ मुझे मिल गया। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक पेन मिल गया तो मैं बोलूँगी आई गॉट माई पेन। जॉट, जे ओ टी जॉट माने जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी से जो चले। एल ओ टी लॉट, लॉट माने बहुत बहुत ज़्यादा। एन ओ टी नॉट, नॉट माने नहीं, आपको पता है जैसे नॉट आउट बोलते हैं क्रिकेट में या खेल में, तो एन ओ टी नॉट, नॉट माने नहीं। आर ओ टी रॉट, रॉट माने सड़ा हुआ, जब कोई चीज़ सड़ जाए उसे रॉटन बोलते हैं या रॉट बोलते हैं। और कॉट, सी ओ टी कॉट, कॉट माने खाट, खटिया या चौकी जिस पर हम सोते हैं, तो कॉट। अब इस फैमिली के सभी शब्दों को एक साथ बोलें तो देखिए, बॉट डॉट गॉट जॉट लॉट नॉट रॉट कॉट, सब एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि सब में ओ टी है, अंतिम वाला दोनों लेटर एक ही है सब में, सिर्फ पहला वाला सबका चेंज हो गया है। तो इस तरह आज हमने 1 2 3 4 फैमिलीज़ पढ़ी हमने। इन चारों फैमिलीज़ के सारे शब्द ऐसे ही बहुत आसान है, पिछले वीडियो की तरह, पिछली बार जो हमने फैमिलीज़ पढ़ी थी, आप ये तुरंत याद हो जाएगा, करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके करो, एक बार में करने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में हम एक ही फैमिली के शब्द को याद करेंगे। गुड, फिर इसे कॉपी पे लिख लो, मैं इसका फ़ोटो भेज दूँगी और इसे याद कीजिए। ओके बाय।